अकेडमी का कंप्लेंट आया था और हम लोग, हमारे स्टाफ, हमारे रिपोर्टर्स, सोशल वर्कर्स, हम सब वहाँ पे जाके वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करें। वहाँ के हमारे पास प्रूफ्स है, वीडियोस है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग के पास, वो वहाँ के लोगों को ये लोग हरास करे और वहाँ के लेडीज को रोड पे लाके बिठा दिए। गुरुकुल को ये लोग, गुरुकुल को मंदिर और गुरु को भगवान का दर्जा देते थे, आज वही गुरुकुल के पीछे ये लोग पड़े हुए है। आप लोग से हम लोग आज यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कंप्लेंट लेके आए, इन लोगों की आप कुछ हेल्प करिए, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे। ये एबीवीपी प्रेसिडेंट्स जो है ना, ये वो भी इन लोगों से 10 लाख रुपए की मांग भी कर चुके हैं और इन्हों भी ये कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, अभी भी स्टूडेंट है, अभी इन्हों आज जो है स्टूडेंट्स के वजह से कॉलेज है, कॉलेज के वजह से स्टूडेंट्स नहीं है, वो लोग को परेशान करके आप लोग क्या साबित करना चाह रहे। और एक वक्त था जो औरत को माँ का दर्जा देते थे, आप लोग वही माँ को रोड पर निकाल के मारे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये अकेडमी के लिए हम लोग पूरे इंसाफ मांगने यहाँ पर आए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का हम लोग भी एक्शन लेते बोल के बोले, हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर भी हमको रिस्पांस अच्छा मिला, ये लोग भी इन लोग के खिलाफ नामपल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आए हम लोग और रिस्पांस अच्छा मिला, ये लोग भी ये लोग के खिलाफ एक्शन लेते के बोले हम लोग को, कार्रवाई हो। और उनका एक्चुअली जो विद्यार्थी लोगों के लिए जो मदद करना चाहिए, उन लोगों ने विद्यार्थी लोगों को ख़राब करने के लिए संस्था बना रहे, ऐसे लीडर्स को सस्पेंड कर देना चाहिए उनसे। तो एबीवीपी अखिल भारत विद्या परिषद मतलब महाविद्या संस्था, उन जैसे संस्थाओं में इन लोगों का जैसे करप्टेड पर्सन होना ही नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। इनको जो लोग पॉलिटिशियंस जो पुलिस मदद कर रहे हैं उनको भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। तो अकाडमी करीमनगर डिफेंस अकाडमी खुला हुआ है, इनका परमिशन लेके खोलना चाहिए, एबीवीपी का परमिशन से खोलना चाहिए, इनका मना करने पे हमको खोलने का इजाज़त नहीं है बोलता है, उसके चक्कर में उन लोगों ने 10 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। अगर माँ रिश्वत देंगे 10 लाख रुपया तब भी हम चला पाएंगे, नहीं तो हम लोग को चलाने नहीं देंगे, मार डालेंगे करके उसके हमारा प्राण का हानि है करके हमने कंप्लेंट भी कर चुके हैं। सर कौन करा?